हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और आपको बताते चले कि कल एक चिट्ठी जारी हुआ है, यानी चिट्ठी जो है ऑफिशियल लेटर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि 15 तारीख से हम ज्वाइनिंग लेटर देने जा रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का जो रास्ता है वो लगभग क्लियर हो गया है और ज्वाइनिंग लेटर देने की बात जो चिट्ठी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये बात है कि उस पर सील और मुहर यानी सिग्नेचर उसमें नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो जारी होने वाला था चिट्ठी उसमें कहीं ना कहीं एक लीकेज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार द्वारा जो चिट्ठी जारी होती है उसके पहले ही वो उस चीज़ को लीक कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग में इस तरह से कार्रवाई जो है उस पर कार्रवाई होना नियोजित है, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का जो कल एक फैसला आया था उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार की तरफ से जो SLP दायर हुआ था उसमें 125 के लिए जो याचिका दायर हुई थी कि बिहार में BEd वालों के लिए जो रास्ता है वो क्या बंद सा हो गया है, परंतु अगली सुनवाई 13 तारीख को होनी तय है। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो 125 वाले के लिए रास्ता लगभग क्लियर हो गया है और 1,70,000 से बहाली का जो मामला है उसमें यही है कि 15 तारीख से यानी 15 अक्टूबर से अगर वो चिट्ठी वेरिफिकेशन अपने जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से DPO के माध्यम से सुनिश्चित हुआ है तो इसका स्पष्ट है कि बिहार में रिजल्ट की जो तैयारी है वो लगभग चल रही है और शिक्षा विभाग और BPSC की तरफ से जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, परंतु जो चिट्ठी जारी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होने की ज़रूरत है। इस तरह का चिट्ठी बिना सिग्नेचर के और बिना सील मुहर के निकल जाना विभाग से कहीं ना कहीं सरकार में नाकामी दर्शाती है। सौरभ कुमार, छात्र नेता, पटना। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और आपको बताते चले कि कल एक चिट्ठी जारी हुआ है, यानी चिट्ठी जो है ऑफिशियल लेटर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि 15 तारीख से हम ज्वाइनिंग लेटर देने जा रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का जो रास्ता है वो लगभग क्लियर हो गया है और ज्वाइनिंग लेटर देने की बात जो चिट्ठी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये बात है कि उस पर सील और मुहर यानी सिग्नेचर उसमें नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो जारी होने वाला था चिट्ठी उसमें कहीं ना कहीं एक लीकेज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार द्वारा जो चिट्ठी जारी होती है उसके पहले ही वो उस चीज़ को लीक कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग में इस तरह से कार्रवाई जो है उस पर कार्रवाई होना नियोजित है, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का जो कल एक फैसला आया था उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार की तरफ से जो SLP दायर हुआ था उसमें 125 के लिए जो याचिका दायर हुई थी कि बिहार में BEd वालों के लिए जो रास्ता है वो क्या बंद सा हो गया है, परंतु अगली सुनवाई 13 तारीख को होनी तय है। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो 125 वाले के लिए रास्ता लगभग क्लियर हो गया है और 1,70,000 से बहाली का जो मामला है उसमें यही है कि 15 तारीख से यानी 15 अक्टूबर से अगर वो चिट्ठी वेरिफिकेशन अपने जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से DPO के माध्यम से सुनिश्चित हुआ है तो इसका स्पष्ट है कि बिहार में रिजल्ट की जो तैयारी है वो लगभग चल रही है और शिक्षा विभाग और BPSC की तरफ से जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, परंतु जो चिट्ठी जारी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होने की ज़रूरत है। इस तरह का चिट्ठी बिना सिग्नेचर के और बिना सील मुहर के निकल जाना विभाग से कहीं ना कहीं सरकार में नाकामी दर्शाती है। सौरभ कुमार, छात्र नेता, पटना।